नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल सवाई। सो गाइस, आज के इस वीडियो में सीखेंगे कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना जिसमें कुछ बैकग्राउंड और पीएनजीज का यूज़ किया गया है, जिसका लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अच्छे से सिंपली डाउनलोड कर लेना। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। सो दोस्तों, बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस वाले बैकग्राउंड को आपको अपने पिकार्ड एप्लीकेशन में ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करके एक मैन सिंह धोनी वाला पीएनजी को ऐड कर लेना सिंपली। सो ऐड करने के बाद आपको इसे कुछ इस तरह से सेट करना ऊपर। उसके बाद आपको इरेजर पर क्लिक करना है। इरेजर पर क्लिक करने के बाद आपको इरेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको इसकी हार्डनेस को कम कर देना है, कैपेसिटी को हल्का कम कर देना और साइज को आपको बढ़ा लेना। उसके बाद आपको फ़ोटो को नीचे से कुछ इस तरह से इरेज करना है ताकि ऐसा लगे कि ये फ़ोटो अंदर से उभर कर आ रहा है। उसके बाद आपको सिंपली राइट साइड में ऊपर यस वाले बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको नीचे एफएक्स इफेक्ट में जाना है। एफएक्स इफेक्ट में जाने के बाद आपको थर्ड वाला ऑप्शन एफएक्स को सेलेक्ट करना है। उसके बाद इसमें ब्लैक एंड वाइट वाले इफेक्ट को सेलेक्ट कर लेना है। सो ढूंढ लेते ब्लैक एंड वाइट एंड देन आपको यस वाले बटन पर क्लिक कर देना सिंपली। उसके बाद आपको फ़ोटो को कुछ इस तरह से खींच कर बड़ा करना और सेट कर लेना अपने हिसाब से। सो सेट करने के बाद आपको ऊपर लेफ्ट साइड में यस वाले बटन पर क्लिक कर देना सिंपली। उसके बाद आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना और आपको एक पीएनजी को ऐड कर लेना। तो इसे ऐड करने के बाद आपको खींचकर इस तरह से बड़ा करना है। उसके बाद नीचे ब्लेंड में जाना है, स्क्रीन कर देना। उसके बाद आपको इसे इरेजर पर क्लिक करना है और जो स्क्रीन पे आ रहा है आपके फेस पे उसे आपको सिंपली इरेज कर लेना। तो इरेज कर लेना, उसके बाद आपको यस वाले बटन पर क्लिक करना है। अगेन आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना और आपको एक और पीएनजी को ऐड कर लेना सिंपली, शेडो वाली पीएनजी को, इस वाली पीएनजी को ऐड कर लेना। ऐड करने के बाद आपको इसे खींचकर इस तरह से बड़ा करना और यहाँ लाकर सेट कर लेना। तो सेट करने के बाद यस वाले बटन पर क्लिक कर देना सिंपली और फिर से अगेन आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है और आपको अपना मॉडल ऐड कर लेना है, जिस फोटो को आपको एडिट करना है उस वाले फोटो को ऐड कर लेना सिंपली। सो ऐड कर लेते। ऐड करने के बाद आपको नीचे कटआउट पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको कुछ इस तरह से साइड साइड से अपना फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेना। तो ये सिलेक्ट हो जाने के बाद आपको ऊपर राइट साइड में एरो वाले आइकन पर क्लिक करना है। एरो वाले आइकन पर क्लिक करते ही आपका फ़ोटो पूरा हो जाएगा सिलेक्ट। उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा पार्ट सिलेक्ट हो गया उसे आप इरेजर का यूज़ करके इरेज कर सकते हैं और जो पार्ट बच गया है उसे आप पेंसिल का यूज़ करके सिलेक्ट कर सकते हैं। तो कर लेते। फ़ोटो की बैकग्राउंड को और भी अच्छी तरह से रिमूव करने के लिए आप राइट साइड में आई वाले आइकन का यूज़ कर सकते हैं। इरेजर पर क्लिक करना और उसके बाद ये साइड साइड में वाइट वाले जो आ रहे हैं इसे आप इरेज कर लेना सिंपली। सो फोटो हो चुका है अब अच्छी तरह से इरेज। तो अब ऊपर राइट साइड में सेव वाले बटन पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको फ़ोटो को इस तरह से रोटेट कर लेना और आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना, कुछ इस तरह से सेट कर लेते हैं। सेट करने के बाद आपको इफेक्ट्स इफेक्ट में जाना है। उसके बाद आपको HDR को सिलेक्ट करना है। HDR सेलेक्ट करने के बाद आपको ऊपर इरेजर पर क्लिक करना है। उसके बाद लास्ट ऑप्शन इन्वर्ट पर क्लिक करना और आपको अपने शर्ट पर सिर्फ इस इफेक्ट को, HDR इफेक्ट को शर्ट पे कपड़े पे डाल लेना सिर्फ। सो उसके बाद यस वाले बटन पर क्लिक कर लेना। अगेन आपको यस वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना। ऐड फोटो पर क्लिक करने के बाद आपको एक और PNG को ऐड कर लेना, ये माही वाली PNG को ऐड कर लेना सिंपली।
माई वाली टेक्स्ट पीएनजी को ऐड कर लेना। उसके बाद आपको इसे साइड में लाकर कुछ इस तरह से सेट कर लेना। आप और भी कुछ लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। फिर से यस वाले बटन पर क्लिक कर देना। उसके बाद आपको जाना है ऐड फोटो पे और आपको एक और पीएनजी को ऐड करना है, हेयर पीएनजी को। अगर आपको हेयर पीएनजी ऐड करना है तो कर लेना। उसके बाद कुछ इस तरह से सेट कर लेना और आपको इरेजर पे क्लिक करना है और एक्स्ट्रा पार्ट जो है उसे आपको सिंपली इस तरह से इरेज कर लेना है। तो इरेज हो जाने के बाद आपको सिंपली ऊपर राइट साइड में यस वाले बटन पर क्लिक करना है। फिर से यस वाले बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको फिर से ऐड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको एक और पीएनजी को ऐड कर लेना है। तो इस वाले पीएनजी को ऐड कर लेना है, यहाँ पर सेट कर लेना है इसे इस तरह से, कुछ इस तरह से सेट कर लेना। फिर से आपको यस वाले बटन पर क्लिक करना है। अगेन आपको ऐड फोटो पर क्लिक करना है और आपको एक और बॉल वाली पीएनजी को ऐड कर लेना है। और इसे कुछ इस तरह से आप अपने हिसाब से सेट कर लेना। उसके बाद यस वाले बटन पर क्लिक करना है और आपको ड्रॉ टूल्स में जाना है। ड्रॉ में जाने के बाद आपको थ्री डॉट पे क्लिक करके फोटो को कर लेना है सेव। सेव इमेज पे क्लिक करके तो गाइस फोटो को कर वीडियो अच्छी लेना लगी हो सेव। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।